दोस्तों, इस दुनिया में कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे भी हैं कि जो औलिया अल्लाह की करामात पर यकीन नहीं रखते हैं। हमने बहुत सारे मज़ारात देखे हैं और औलिया अल्लाह की करामात देखी हैं, पर ऐसा बहुत कम मज़ारात में देखने को मिला है कि मज़ार के अंदर जो है वो शेर ज़ियारत करने के लिए आते हैं। दोस्तों, हजरत अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अपने वक्त के बहुत बड़े वली हैं, जिनकी करामत आज भी लोग अपनी आंखों से देखकर हैरान रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने ही इंडिया के एक सूबे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के कल्याण शहर में एक बहुत ही अजीम बुजुर्ग हस्ती मौजूद हैं, जिनका नाम हजरत अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह है और लोग आपको हाजी मलंग बाबा के नाम से भी जानते और पहचानते हैं। दोस्तों, हाजी मलंग बाबा अपने दौर के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और एक बहुत ही अजीम शख्सियत हैं। आपको बता दें कि हाजी मलंग बाबा की दरगाह शरीफ पहाड़ों के ऊपर मौजूद है और वहां तक जाने का जो रास्ता है वो भी यकीनन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आपका मज़ार चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। दोस्तों, इस अजीम बारगाह में अक्सर शेर और चीतों को आते हुए देखा गया है। वैसे तो हाजी मलंग बाबा की बहुत सारी करामतें मशहूर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर करामत ये है कि आपके आस्थाने मुबारक पर हाजिरी देने के लिए शेर आते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक ही अल्लाह के वली की जिंदा करामत है कि इंसान तो इंसान बल्कि जानवर भी आपकी बारगाह में अदब से हाजिरी देते हैं और अपने सर को झुकाकर सलाम पेश करते हैं। जिस पहाड़ी पर हाजी मलंग बाबा का मज़ार पाक मौजूद है, उस पहाड़ी को मलंग पहाड़ी भी कहा जाता है और ये बताया जाता है कि आप उस पहाड़ पर इबादत किया करते थे और शेर भी वहां पर आपके साथ रहा करते थे। यकीनन दोस्तों, इस जगह पहुंचकर कल्बी सुकून हासिल होता है। रूहानियत से भरपूर हाजी मलंग बाबा की बारगाह है और आपके मज़ार में आने वाले लोगों की तमाम मुरादें पूरी होती हैं। हाजी मलंग बाबा के दीवाने दुनिया भर में मौजूद हैं। दोस्तों, ये जगह खूबसूरत जरूर है, लेकिन हाजी मलंग बाबा की मज़ार तक जाने के लिए यहाँ पर थोड़ी मशक्क़त उठाना पड़ती है। आपके चाहने वाले आपकी ज़ियारत करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं और हर हाल में आपके मज़ार मुबारक पर हाजिरी दे कर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, औलिया अल्लाह की ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वो दुनिया में रहकर भी बादशाहत करते हैं और पर्दा फरमाने के बाद भी उनकी बादशाहत कायम रहती है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना और गिर्दोनवाह के तमाम साथियों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।